पहले काशी, फिर मथुरा, आगरा और अब देश की राजधानी दिल्ली। जी हां, आस्था के स्थलों पर शुरू हुआ विवाद अब देश की राजधानी पहुंच गया है और इस फहरिस्त में सबसे ताजा नाम है राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार का। आज दोपहर महाकाल मानव सेवा संगठन से जुड़े कुछ झंडे बैनर के साथ लोग कुतुब मीनार पहुंचे और वहां जय श्री राम के नारे लगाए। ये प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बसों में भरकर वहां से ले गई। इनका कहना है कि यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नामक एक संगठन ने यह कहा कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया था और अब यहां प्रार्थना करने की, पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। और आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस समय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, क्या इस समय भी प्रदर्शनकारी वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग कर रहे हैं या फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है? देखिए गौरव, अभी तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेके जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे प्रबंध किया गया है, आम जनता को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई थी। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर प्रदर्शन किया, उससे ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो अंदर घुसने की कोशिश करें। ये बैरिकेड्स जो आपको दिख रहे हैं इसीलिए लगाए गए हैं। आज के लिए कम से कम आम आदमी कुतुब मीनार के अंदर नहीं जा सकता। पुलिसकर्मी भी यहाँ आपको नजर आएंगे, इस समय तो बैठे हुए हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर रेगुलर ट्रोलिंग चल रही थी। पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही थी कि प्रदर्शनकारी कुछ भी करके अंदर ना घुसे। आज के लिए लोगों को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। अगर प्रदर्शनकारी कल भी आते हैं, जैसा कि वो कह के गए हैं कि तब तक आते रहेंगे कुतुब मीनार पे जब तक कि कुतुब मीनार का नाम नहीं बदल दिया। कि इस तरीके की बैरिकेटिंग अगले आने वाले दिनों में भी दिखी। आपको शायद पीछे कुतुब मीनार दिखेगा, हम लगभग 30 मीटर दूर हैं कुतुब मीनार से और यही वो इमारत है जिसका नाम बदलने के लिए आज लगभग 300 मीटर दूर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। झंडे लहराए गए और ये कहा गया कि जब तक सरकार और यहाँ का प्रशासन नाम नहीं बदलता तब तक इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कौन है ये लोग, इनका बैकग्राउंड क्या है, किस संगठन से जुड़े हैं ये लोग? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, कहते हैं कि हिंदू हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर खास तौर से मुगलों ने जिन जिन सड़कों का नाम अपने नाम के ऊपर रखा, जिन जिन जगहों का नाम मुगल्स ने रखा, उन सभी को बदल देना चाहिए। उनका कहना है कि सनातन धर्म के मुताबिक नाम होना चाहिए और यही कारण है कि कुतुब मीनार का नाम बदल के वो विष्णु स्तंभ रखना चाहते हैं। उन्होंने एक दावा और किया गौरव, मैं आपको बता दूं, उनका दावा ये है कि अगर कुतुब मीनार के अंदर डिगिंग की जाए, अगर कुतुब मीनार को तोड़ा जाए और खोद के देखा जाए तो यहाँ पर अंदर कई सारे हिंदू भगवान के आइडियल्स भी मिलेंगे। उनका इस समय यही कहना है और यही कारण है, वो कहते हैं कि पहले नाम बदलो और उसके बाद अंदर जाके खुदाई करो। ठीक, ऐश्वर्या रहिए मेरे साथ। जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है दिल्ली का कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार के इतिहास में संभवतः पहली बार है यहां ऐसा नजारा दिखा। भगवा झंडे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते ये लोग महाकाल मानव सेवा संगठन के बताए जाते हैं। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए। एक और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट और एक और मांग अब ये है कि कुतुब मीनार का नाम बदल कर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए। ये मांग क्यों आई है, कहां से आई है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने हम यहाँ उन लोगों से बातचीत करने आए हैं जो कुतुब मीनार से लगभग 500 मीटर दूर ये मांग लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में जितने भी ऐसे निर्माण हैं, उनका नाम बदला जाना चाहिए। मांग वही है जो सनातन ये देश था सनातनियों का, और ये बन के रहेगा, वही मांग है। एक ये मैरोली का विष्णु स्तंभ के नाम से वो नहीं, मैं तमाम इस देश के बाहर की जो भी वो है, उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समस्त वही होना है। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा, और मुगलों ने हमारे हर चीज को छीना है, तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के, उसका नाम तेल हटा के, हम अपना नाम तेल जो पहले था आदिकाल में, वही नाम हम रखना चाहते हैं। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को वहां से उठा दिया और बसों में बिठा कर ले गई। पर आलम यह है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। देखिए काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल आपको यहाँ पे दिखेंगे, पीछे आपको दिख रहा है, देखिए कुतुब मीनार भी आपको यहाँ से नजर आएगा। तो ये जो मॉन्यूमेंट है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, विश्व भर से लोग आते हैं, अब ये मांग उठी है कि इसको बदला जाए। यहाँ पे आलम यह है कि लोगों को बाहर रोक दिया गया है, ये बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं भीड़ यहाँ पर, जो लोग जवान जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, उनके ऊपर कहीं हावी ना हो जाए, इसीलिए सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त है वो काफी पुख्ता है। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। हाल के दिनों में मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतों को लेकर जारी विवाद में ये नया नाम है। इससे पहले आगरा के ताज महल को लेकर घमासान जारी है। कुछ हिंदू संगठन ताज महल को शिव मंदिर बताकर दावा ठोक रहे हैं। जाहिर है ये विवाद अब और तूल पकड़ेगा। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।